विशेष खाली जो जगह स्थान है वहाँ पर कई वर्षों से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक तुष्टिकरण की नीति गिरी जा रही है। वहाँ पे सर्वे करवा कर जो एक हिंदू जो समाज है उनकी आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा यूनिवर्सिटी के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी सरकार है और पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक उत्तर 24 परागण जिला है उसके एक संदेश खाली जो जगह स्थान है वहाँ पर कई वर्षों से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक तुष्टिकरण की नीति गिरी जा रही है। वहाँ पर सर्वे करवा कर जो एक हिंदू जो समाज है उनकी जवान बहन बेटियों के साथ उनका सर्वे करवा के और TMC की जो कांग्रेस तृणमूल पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके कार्यालयों पर लाकर बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उसका आज विद्यार्थी परिषद ने ममता बनर्जी की शव यात्रा निकाल के यूनिवर्सिटी के अंदर विरोध और टायर जला के विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। और हमारी ये मांग है कि जो भी ये अभी जो एक जो पश्चिम बंगाल का जो समाज जो जिला है जो स्थान जहाँ पे लगातार घटना हो रही है वहाँ पर जो ये घटना है उसकी जांच एक उत्तरी जांच दी जाए, केंद्रीय एजेंसियों को जांच दी जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी पाए जाते हैं उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और विद्यार्थी परिषद की मांग है उनको फांसी की सजा सुना जाए और वहाँ पर जो प्रशासन और जो न्याय व्यवस्था संस्था है उनके वहाँ एक मोबाइल नंबर एक ऐसा जारी किया जाए ताकि जो भी वहाँ पर घटना हो रही है वहाँ के जो है वो जो निर्भय बिना डरे वो घटना को किसी वहाँ पर पहुँचा सके। और हमारी ये मांग है जो भी वहाँ पर पड़ताड़ी दौरी वहाँ जो केंद्र एजेंसी है डिफेंस एजेंसियाँ वहाँ पर बलों को वहाँ पर नियुक्त किया जाए ताकि जो वहाँ का डर का माहौल है वहाँ पर कई महिला बहनें जो पलायन कर रही है और कई बहनें जो साथ से वो प्रदर्शन कर रही है विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ी है हर परिस्थिति के अंदर और हमारी मांग है उनके साथ सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई हो और उनको फांसी दी जाए। अगर हमारी मांग आज हमने MDSC यूनिवर्सिटी के अंदर ममता बनर्जी की शव यात्रा निकाल कर और पुतला टायर जला कर पुतला फूका है और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया और अगर नहीं होता है तो पूरे आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के अंदर ये आंदोलन कर रही है और अगर मांग नहीं तो इसके अलावा अगर हमारी मांग नहीं मानती और दोषों पर कोई नकल नहीं कसी जाती है और उनके सख्त कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद पूरे देश के अंदर उग्र प्रदर्शन करेगी। बंटी गुजर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, AVP।